हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल DFO इंटरनेट में। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई होती हैं, तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ITI प्रशिक्षण के लिए आवेदन शुरू। प्रदेश के राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 23-24 के माह अगस्त 23 के प्रशिक्षण सत्र शुरू किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के विशेष सचिव व शासी निदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में सहायता के लिए वर्डी ई फॉर्म में SBVT की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों में हुई त्रुटियों की संशोधन के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जून से 3 जुलाई तक संचालित रहेगी। तो ITI से ये बड़ी खबर है, आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा 9 जून से और जो 3 जुलाई तक चलेगी। तो कल से शुरू हो गया आपका, और आगे क्या है देखिए। IT मंत्री ने कहा डिजिटल इंडिया पर बिल इसी माह चर्चा, AI पर लगाम लगाने के लिए नियम बनेंगे। इसको देख लीजिएगा डिटेल में आप। नौकरियों की भी कोई खतरा नहीं, चंद्रशेखर। चयन प्रक्रिया में धांधली, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार खत्म। CM योगी ने कहा प्रदेश में अब तक 6 लाख भारतीय किसी को नहीं पड़ी सिफारिश की जरूरत। ऐसा आप लोग को अगर लगता हो तो कमेंट में बताएं कि सिफारिश की जरूरत पड़ी है या फिर नहीं। अभ्युदय कोचिंग सेंटरों की गुणवत्ता करें और बेहतर वेबसाइट क्रैश, 19 दिन में कैसे करेंगे तबादला। शिक्षक भर्ती के तबादला के लेके वेबसाइट ये क्रैश हो जा रही है, जो वेबसाइट है। जुलाई से 9 प्रवेशियों की लगी कक्षाएं, तो देख लीजिएगा डिटेल में। और बिहार में निकली शिक्षक भर्ती, दौड़ने लगे UP के बेरोजगार। बिहार में शिक्षकों की 1,70,000 पद होने नियुक्ति। बिहार सरकार ने अपने राज्य के अभ्यर्थियों से मांगे हैं आवेदन। दिक्कत है कि बिहार के राज्य के ही कर सकते हैं आवेदन। यूपी में 2018 के बाद से नहीं आई है भर्ती। उत्तर प्रदेश में 1,00,000 शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद के समायोजन निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2 चरणों में पहले जनवरी 2018 में 68,500 और फिर दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती जारी हुई थी। उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई और BTC DLED व UPTET और CTET पास लाखों बेरोजगार परेशान हैं। और ITI में प्रवेश के लिए 3 जुलाई तक जल्द शुरू होगी 11,000 पदों पर भर्ती। युवाओं को जून जुलाई में रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभिन्न विभागों में 11,000 पदों पर भर्ती करेगा। तो बड़ी खबर है, इसको देख लीजिएगा। और पहलवानों को राहत, ब्रिजभूषण सरस में घिरे, देख लीजिएगा। ये तो चलता है, पॉलिटिक्स का मामला है। और चयन प्रक्रिया में धांधली, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार खत्म किया CM योगी। कल नियुक्ति पत्र दिया है योगी जी ने, कहा प्रदेश में अब तक 6 लाख भर्तियां किसी को नहीं पड़ी सिफारिश की जरूरत। 7,182 NM कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।